पुलवामा अटैक पर गोंडा से भाजपा सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने जनता को विश्वास दिलाया कि जल्द ही सरकार आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार जो काम करेगी सबको पता चल जाएगा, लेकिन इतना निश्चित है बहुत कुछ होगा और जल्द ही होगा। आतंकवाद को खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सांसद ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर भी कटाक्ष किया, जिसमें सिद्धू ने कहा था कि आतंक का कारण पाकिस्तान नहीं है। इस पर सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि क्या घटना में इस्तेमाल होने वाला 300 किलो RDX परचून की दुकान पर मिलता है? कांग्रेस का बस चले तो देश टूट ही जाए। सांसद कीर्ति वर्धन सिंह भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने गोंडा आए थे। आपने अभी राष्ट्रहित की बातें की, देशहित की बातें की, देश के जो शहीद जवान हुए उसकी बात की, तो ऐसे में जो आतंक की नजरें पाकिस्तान से लगाई जा रही है उसको ठोस जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या करने वाली है? देखिए, जहाँ तक दुश्मन पे एक्शन लेने की बात है, वो सरकार क्या कर रही है, जब होगा तभी पता चलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ऐसे कोई कदम ले उसके बारे में पहले ही हम लोग बता दें तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन ये निश्चित है कि बहुत कुछ होगा और बहुत जल्दी होगा, और इसको, इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना हमारी सरकार का उद्देश्य है। उन सेपरेटिस्ट और उन अलगाववादियों को क्या करेंगे जो अलकायदा का साथ देते हैं, यानी अगर अलगाववादियों की बात करें तो? देखिए, कांग्रेस की बात क्या है वो मेरे भी समझ नहीं आती, ना इस देश को समझ आती है। सिद्धू ने क्या कहा अभी दो दिन पहले, सिद्धू ने एक तरीके से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी कि जो आतंकवादी घटना है उससे किसी देश का लेना देना नहीं है, जबकि दुनिया ये जानती है कि कश्मीर में जो कुछ भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान के सपोर्ट से हो रही हैं। 350 कितना किलो, 300 से ऊपर किलो RDX इस्तेमाल किया गया है, क्या ये RDX परचून की दुकान पर मिलता है? ये क्या RDX उस आतंकी को मिल सकता था अगर बाहरी सपोर्ट ना हुआ हो? तो ये सब कहने की बात है। ये लोग कांग्रेस तो खैर इस देश को उसका मन बस चले तो टूट ही जाए, जब उनके नेता वहाँ JNU में जो इस देश के टुकड़े टुकड़े होंगे उनके साथ जाके मिलते हैं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसमें आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं सिद्धू को? लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में अगर आतंकवाद कोई खत्म कर सकता तो सिवाय